लोग अब समय उखी मठ के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। जंगली कुत्ता और एक जो है ये पंच केदार के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा चोपता तुंगनाथ में घूमने फिरने के। भाई हमारे पहाड़ों में चौथे ये देखिए दम जन्नत के नजारे। नमस्ते इंडिया। ना फोटो भी क्लिक की है, कह रहे थे मेंशन जरूर करना। बस हमारे पास सारे चीज खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था है। खाने पीने रहने चलते 300 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाए। और आप भाई बॉनफायर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम लोग अब समय उखी मठ के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। बैठे भाई लोग मजे से एकदम खचाखच भरी हुई है। यहाँ से डेढ़ घंटे का मैक्सिमम सफर है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग रुकेंगे जहाँ केदारनाथ जी की पाल की नीचे आई हुई है, तो अगर बाबा ने चाहा वहाँ के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से चौक तक लेने के लिए जैसा हम लोगों को संसाधन मिलता है वैसा हम लोग निकलते हैं। ओके बाय। लाइक दार्जिलिंग वाली फीलिंग। गली कोपचे में हमारा दार्जिलिंग। देखिए चाय पत्ती इतनी नहीं दिख रही। ये देखिए भाई हमारे एक कुत्ते भाई बड़े जंगली कुत्ते के साथ। जंगली कुत्ता और एक जो भाई हमारा बैठा है वो बड़ा कुत्ता। ये इनका बॉडी गार्ड है, पूरे रास्ते पर मिला है। देखिए वो छोड़ गया है हम लोग को। कुत्ते बॉडी गार्ड बहुत मिले हैं बनारस में। और ये रहा हमारा मंदिर जहाँ श्री बाबा केदारनाथ की पूजा होगी। अब जब तक मेन केदारनाथ के पट बंद रहेंगे तब तक दिखाते हैं आपको। लगता है ये जानवर भी कुछ हम लोगों के साथ में आया है। काफी देर से टहल रहा है लेकिन जा नहीं रहा। अभी एक बार खिलाते हैं दोबारा। ये देखिए रिश्तेदार हैं इनके कोई पुराने। ये कानपुर जाएगा ये बता दो चीजें। झोले में भर लेंगे अभी इसको, लेकिन है बड़ा खुखार ये। देखो बेटा इधर छोटू, ये देखिए छोटू कितना खतरनाक। छोटू के मालिक हैं ये। जय बद्री विशाल। जाओ तुम केदारनाथ लेकिन मद्री। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना सख्त मना है। और हमारे पीछे है ये पंच केदार के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। जो लोग नहीं जा सकते हैं पंच केदार उनके लिए यहाँ से बिल्कुल आसान दर्शन हो जाएंगे। पूरे पांचों भगवान अंदर बने हुए हैं और ये मेन उनका मंदिर है। और जो बाबा हमारे हैं तो उतर के सीधे वो देखिए अब देख रहे होंगे पीछे गेट है हमारे, उसके अंदर हमारे बाबा केदारनाथ का विराजमान हुआ है। अभी जब तक के लिए पटबंद है उतने दिन के लिए, यहीं पे उनके आराम से पूजा पाठ पूरी होती रहेगी यहीं पे। फिर जब केदारनाथ में दरबार के दर्शन खुलेंगे तो फिर वहाँ पे होगी उनकी पूजा पड़ेगा। देखिए अभी हैं हम लोग उखी मठ में और अभी यहाँ से जाएंगे चोपता। अभी दोपहर हो रही है, रात तक पहुँच जाएंगे दो ढाई घंटे में शाम तक। और आज का स्टे वहीं पे रखते हैं, कल सुबह हम लोगों की जो मेन ट्रैक है वो शुरू होगी तुंगनाथ के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून लगे रहे हमारे साथ।
अभी हम लोग तुंगनाथ आ चुके हैं। यहाँ थोड़ा ठंडी का माहौल लग रहा है। और ये जो बंदा, ये जो काली टी शर्ट में है, इसने रास्ते पर खूब वॉमिटिंग करते हुए आराम से, बिल्कुल मजे से, मजे से, और पूरा क्या नाम है, जितना भी गाड़ी में पूरी बदबू फैला दी। इसके मारे इसको तुरंत उतार के कपड़े वपड़े फेंक दिए, भगा दिया था हम लोगों ने। वही रास्ते सामने है, यहाँ से सवेरे का ट्रैक है, सवेरे के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेइज्जती क्या दोस्तों में, क्या भाई क्या है, भाईचारा बना रहे, आप लोगों के साथ बातें हो जाती है, बस खुश हो जाता है। बस अभी यहाँ पे एक रूम लेते हैं, आज रात का स्टे यहीं पे करते हैं। सुबह जल्दी से जल्दी जैसे हो पाएगा 5-6 बजे तक ही नहीं, यहाँ से ऊपर के लिए निकल ले सकते, पीछे गेट दिखा देंगे, ये वाला गेट आपको दिख रहा होगा। फिर तो यहाँ से ऊपर 4 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा, उसके ऊपर 2 किलोमीटर और चंद्रशिला है, पूरा 6 किलोमीटर का ट्रैक कल हम लोग कम्प्लीट करेंगे। अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा चोपता तुंगनाथ में घूमने फिरने के लिए, जरूरत नहीं अभी, क्या जरूरत है। आप देखिए तुंगनाथ सनसेट का व्यू, बस अभी थोड़ी ही देर में सूरज हमारा डूबने वाला है, फिलहाल तो दिख रहा है। भाई हमारे पहाड़ों में चाहते हुए आपका नजारा, ये देखिए दम जन्नत के नजारे। हाँ भाई कूदो तो बनाएंगे भी, कूदो कूदो, हाँ ऐसे थोड़ी ना, देखो जा रहे रेस रेस, बहुत सही। ये वही बात हो गई, घोड़ों की रेस में गधे कहाँ से दौड़ने लगे। तो फ्रेंड्स मसला ये हुआ, जो भाई हमारे पीछे बैठे हैं ये आए हुए हैं इंग्लैंड से, और इन्होंने ऋषिकेश से ही एक बाइक या स्कूटी रेंट पे ली है, ब्लैक कलर की। तो सोच रहे थे कि उनको बताएं कि ना बताएं ऋषिकेश में जिनसे ली है, तो भाई हम लोगों से कन्विंस कर रहे थे, तो उनकी डील तो हम लोगों ने करवा दी है। भाई बड़े इम्प्रेस हुए, इंस्टाग्राम में भी बात नंबर इंस्टाग्राम आईडी ली है, दी है भी है उन्होंने, और फोटो भी क्लिक की है, कह रहे थे मेंशन जरूर करना, काफ़ी ज़्यादा भाई खुश हुए। नहीं ये भैया की हमारे यहीं चोपता में ही दुकान है, काफ़ी बढ़िया है, पूरा खाने पीने की व्यवस्था है। क्या क्या है भैया आपके पास? हमारे पास सारे चीज़, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था है, खाने पीने रहने के सब लोग, हम लोग यहीं भी रुके हुए हैं। हाँ। आप भी आइए यहीं पे रुकिए। भैया का शॉप का नाम वैली व्यू होटल है, वैली व्यू होटल है करके है। देखिए आप, ये देखिए आप, और भाई हमारे क्या नाम भाई आपका? धीरेंद्र भाई। सब खाने पीने की फुल व्यवस्था है, इतने वैरायटी इतने ऊपर पहाड़ों में तो मिलती नहीं है, लेकिन भाई हमारे रखे हैं, इसीलिए हमने कहा आपको थोड़ी गाइडेंस मिलेगी हमारे इस वीडियो से। चलिए ठीक भैया, आज का तो सीन पूरा सेट हो चुका है, देखिए सनसेट भी हो चुका है हमारे साथ, सीन के साथ चांद निकल आया। अभी हम लोग यहाँ से रूम चलते हैं, वहाँ पे लेटते बैठते हैं, रेस्ट करेंगे, फिर कल सुबह 4-5-6 बजे जब भी निकलेंगे शूट करते रहेंगे, आज या कल में भी ये भी वीडियो आएगी, और वो ली भी जो कल बनाते रहेंगे, ऐसे कम से कम 3-4 वीडियो आपको मिलेंगी। आपको जैसे पूरी ट्रिप ट्रैक करते जाएंगे वैसे वैसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे, हम लोग रात में ही अपलोड कर देते हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मेहनत करते हैं और दिलो जान से आपको चाहते हैं, बिल्कुल देखते हैं, और भगवान ने चाहा तो 2030 तक हम लोग पूरा भारत कवर कर लेंगे। मतलब इतना एम रखते हैं कि कम से कम इस ट्रिप के
चलते 300 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाए और आप ज्यादा भी एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। एक बात हम आपको बता दें कि जब आप चौपटा आएंगे तो आपको यहाँ पर दो जगह है, एक हिल स्टेशन है तुंगनाथ और एक है विलेज, तो आप इसमें कंफ्यूजन में मत आइएगा, विलेज मत जाइएगा। विलेज तो वहाँ से नजदीक है, ये कम से कम 6-7 घंटे का रास्ता था। आप चौपटा हिल स्टेशन आइएगा, यहीं पे हमारे तुंगनाथ बाबा, बहुत लोग इसी में धोखा खा जाते हैं। ओके भाइयों, बॉन फायर सभी भाई हमारे साथ में, इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी हम लोगों ने बना लिए। वो भाई हमारे क्या जिनकी हम लोगों ने हेल्प करी, नाम भूल गया मैं, टेलर। ओ भाई टेलर है, ओके टेलर ब्रो कैन यू ड्राइव। अब ये ली वीडियो भी यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए कि आने वाली 3-4 जो वीडियो इस ट्रिप की हैं वो भी आपको मिले और जो आप आती रहेंगी वीडियो सारी आपको मिलती रहें। चलिए ओके बाय बाय।